हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। इसमें कहता है मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ द फिनाइल बेंजोएट। सबसे पहला नंबर तो फिनाइल बेंजोएट बनाने आना चाहिए। देखिए फिनाइल है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा है, ठीक, और फिनाइल बेंजोएट है तो चलो भाई पहला नंबर बेंजोएट ही बना लेते हैं ये, ठीक है। देखिए ये बेंजोएट हो गया, ठीक है, बेंजीन, और ये देखिए सीओ ग्रुप जब लग जाता है तो ये बेंजोएट हो जाता है ना, एस्टर है ये, और फिनाइल है तो ऑक्सीजन में हमें एक फिनाइल इस तरह से जोड़ देना चाहिए। चलो भैया हमने जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कहता है मोनोब्रोमिनेशन करना है, तो मोनोब्रोमिनेशन कैसे करना है इसे पता नहीं है, लेकिन बस आपको एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया है ये मान लीजिए। ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलता है आपको पता है कि Br2 ले लीजिए और आयरन ले लीजिए, या फिर Br2 ले लीजिए और Fe Br3 ले लीजिए, है ना, इससे जो है आपको ये Br+ दे देगा। तो ये मुद्दा नहीं है, बोलता है बस कि आपको हमने ब्रोमीन प्लस दे दिया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, अब आप ऐड करके बताइए और बताइए कौन सा प्रोडक्ट होगा, बस इतना सा ही पूछा है हमसे। देखिए बच्चों, चूंकि ये ब्रोमीन आयन जो है ना कैटायनिक फॉर्म में, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है ये उसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, ये उसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब यह है कि ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ना चाहेगा, समझ गए बात को, न्यूक्लियोफाइल में भी वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। चलो हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो पहला रिंग है, ठीक है, ये जो पहला रिंग है, इस पहले रिंग से अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, और ये सी डबल बॉन्ड ओ की जो का जो नेचर है वो है माइनस एम वाला, ठीक है, माइनस एम मतलब ये क्या करेगा, रेजोनेंस करा के जो है इलेक्ट्रॉन को इस रिंग से खींच लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस रिंग में वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, तो ये जो है इस रिंग के अंदर ये है ना, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है सर आपको कैसे पता लगा कि ये घटा रहा है, भाई जब आप रेजोनेंस करोगे ना तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है, तो रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना इस बात का सूचक है, इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटी है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, ठीक है, जब रेजोनेंस करना शुरू करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद आपको पता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पर खुलेगा नेगेटिव चार्ज, तो जब आप इस तरह से इसका रेजोनेंस करोगे तो इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज बनने का मतलब यह हुआ कि इस ऑक्सीजन ने इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, समझ के बात को, मतलब इसको एक ये न्यूक्लियो भाई बेंजीन रिंग देखिए अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है एरोमेटिसिटी के कारण, ठीक है, लेकिन इस ओ ग्रुप ने क्या कर दिया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा दिया, ठीक है, चलो बढ़ा दिया तो यही तो हम चाह रहे थे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल इंतजार कर रहा है जोड़ने के लिए, तो ये कहाँ जुड़ेगा भाई, तो इस ये जो है इसको हम जो है ऑर्थो पर भी जोड़ सकते हैं और इसको हम पैरा पर भी जोड़ सकते हैं। अगर हम ऑर्थो पर जोड़ते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लेस हिंडर्ड साइड पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर रिपल्सन कम देखने को मिलेगा, और रिपल्सन कम देखने को मिलेगा तो आपका प्रोडक्ट जो है स्टेबल होगा, समझ के बात को, तो ब्रोमीन जो है ऑर्थो पर भी ऐड कीजिए, ब्रोमीन जो है पैरा पर भी ऐड कीजिए, तो लेकिन ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो माइनर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये बड़े बड़े ग्रुप जो लगे हुए हैं इसके कारण इसको रिपल्सन झेलना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर ये ब्रोमीन ऐड कहाँ पर होगा, इस पैरा वाले साइड पर अटैक होगा। चलो तो पहचान लेते हैं भैया कौन सा होगा, तो देखिए जिस रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस रिंग के पैरा पोजिशन पर ब्रोमीन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमें यही दिख रहा है, समझ के बात को, जिस रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके पैरा पोजिशन पर ब्रोमीन जुड़ा है, तो डी हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 104,
बर्च रिडक्शन ऑफ द बेंजोइक एसिड। देखिए बर्च रिडक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नंबर इस तरह से बच्चों जब दिया हुआ होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पर जो है सोडियम और लिक्विड NH3 लेते हैं, ठीक है, लिक्विड NH3 लेते हैं, तो आपको पता है ये क्या करता है, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है। क्या वो करता है बच्चों, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करता है, ठीक है, और ये जो है ना 1,4 पोजिशन पर एडिशन करता है। कहाँ पर, 1,4 पोजिशन पर। तो इसको अगर आप 1 मान लीजिए और इसको आप 4 मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर, ठीक है, इसको जो है यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिएगा और इसको आप ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के डाई इन वाले सिस्टम में, समझ गए बात को। अच्छा, अगर जो मान लीजिए कि यहाँ पर, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए, ठीक है, कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो, जैसा कि देखिए यहाँ पर COH ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, COOH ग्रुप, सॉरी ये रिलीजिंग ग्रुप नहीं, विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है, तो भी वैसी स्थिति में यहाँ पर 1,4 एडिशन ही होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, 1,4 एडिशन होता है और यहाँ पर COH वैसे का वैसे ही रह जाएगा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन करता है, मतलब हाइड्रोजनाइड होता है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक लगे हाँ, तो और कॉन्सेप्ट आप जानते भी होंगे, मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि NH2 ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, तो NH2 ग्रुप तो यहाँ पर देखिए डोनर ग्रुप है ना, ठीक है, तो डोनर ग्रुप है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो जब हम यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन करते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन के बाद जो है यहाँ पर 2,5 एडिशन होता है, ठीक है, 2,5 एडिशन होता है, मतलब दूसरे और इस वाले पोजिशन पर ऐड होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये तो आपको वैसे ही रख देना है यहाँ पर, ठीक है, क्यों, देखिए सोचिए, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है, तो 1,4, देखिए 1,4 पर ऐड करना था, तो 1 से 4 के बीच में जो कंजुगेशन बन रहा था ना, उसमें हमने क्या करा था, रेजोनेंस करा दिया था। अब 2,5 में एडिशन होना है, तो 2,5 में जो कंजुगेशन बन रहा है वहाँ पर आप रेजोनेंस करा के ऐड कीजिए, तो आप देखिएगा कि ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है, NH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है, और आप जानते भी होंगे रिडक्शन में बर्च रिडक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर अब क्लियर तो हो ही चुका है, COH में हमने बता तो दिया 1,4 एडिशन होगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, सबसे पहला नंबर तो बनाना पड़ेगा हमें सारे कंपाउंड, तभी आपको समझ में आएगा। कहता है मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, तो है ना, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो लगाना है, ठीक है, और तो फिर इसी के मेटा पर जो है ब्रोमो हो गया नाइट्रो बेंजीन, ये हो गया 1, फिर उसके बाद जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो है, चलो भैया बहुत बढ़िया, यहाँ पर NO2 लगा दिया, यहाँ भी NO2 लगा दिया, और यहाँ पर भी NO2 लगा दिया, और फिर यहाँ पर ब्रोमो लगा दिया, चलो बहुत बढ़िया, इसको हमने 2 बोल दिया। अब कहता है पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, चलो पैरा वाला भी बना ले लेते हैं, पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, इसको 3 बोल दिया हमने। फिर क्या कहता है, कहता है 2,4,2,4 है ना, डाई नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, तो देखिए 2,4 है, इसका मतलब यहाँ पर एक लगेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर लगेगा, ठीक, और उसके बाद हो तो गया ब्रोमो बेंजीन, और इसको बोलता है कि 4 बोल। फिर कहता है टुवार्ड्स OH माइनस, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक OH माइनस का एडिशन होने वाला है, तो ये बताइए मेरे को क्या OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर ऐड करना पसंद करेगा, उस रिंग पर, देखिए ये एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये उस रिंग पर सबसे फास्टली अटैक करेगा जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम से कम है,
नहीं है समझ में, ठीक है। तो देखिए समझिए, सभी रिंग में इस ब्रोमीन के द्वारा माइनस आई इफेक्ट तो लग ही रहा है। आप जानते हो हाइड्रोजन ग्रुप क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है रिंग में। समझ में ही बात, चलो बहुत बढ़िया भाई। बेंजीन रिंग में हम इसका माइनस आई इफेक्ट ही मानते हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। वैसे हेलोजन ग्रुप के पास लोन पेयर होता है तो ये रेजोनेंस भी कराने की क्षमता रखता है, लेकिन बेंजीन के केस में हम लोग इसका माइनस आई इफेक्ट ही कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस आई जो है इसके प्लस एम से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद ये तो हो गया, ये तो सब में कॉमन हो गया, तो ये तो कोई काम का ही नहीं रहा। अब देखिए एनओ टू ग्रुप है, तो एनओ टू ग्रुप हम जानते हैं कि ये क्या करता है, माइनस एम इफेक्ट देता है। तो देखिए ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पर माइनस एम देता है, तो ऑप्शन नंबर टू को अगर आप गौर से देखिए है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा माइनस एम ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यही क्रिएट करा सकता है भाई। ज्यादा 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 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या किया, बेंजीन रिंग को जो है मतलब लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ही कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो तो तगड़ा पहलवान है, तो ये तो उसी पर अटैक करना चाहेगा जो क्या हो, दुबला पतला हो, जो कमजोर हो, वहां पर अटैक करके झपट से समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब यह है कि ये अटैक करेगा सबसे फास्टली कहां पर, टू पर। फिर बताइए कहां पर अटैक करेगा, तो बच्चे बोलेंगे सर देखिए यहां पर जो है दो दो एनओ टू ग्रुप है और बाकी सब में एक ही है। बिल्कुल सही बात है भाई, फोर ही है ना। अच्छा वन और थ्री में अगर बात करेंगे तो थ्री में देखिए ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा और ये मेटा पोजिशन पर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और हम जानते हैं माइनस एम रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर खींच के निकाल सकते हैं, है ना। तो थ्री हो जाएगा और फिर वन हो जाएगा, तो बताइए कौन सा होगा, टू फोर थ्री वन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।